अगर आप नौकरी करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप बिजनेस भी करना चाहते होंगे, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के साथ समस्या ये होती है कि उनके सिर पर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और इसी वजह से वो कोई रिस्क भी नहीं ले पाते। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें समझाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ जिसके जरिए आप नौकरी करते हुए खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बाद में इसे फुल टाइम बिजनेस में बदल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी बातें या पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं और बीच में छोड़ने पर आप कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आप सच में नौकरी करते हुए बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले कोई भी वीडियो मिस ना करें। बात करें इन तरीकों की, तो इसमें सबसे पहले तो आपको खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि आप नौकरी करते हुए भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, जब मैं लोगों से कहता हूँ कि आप नौकरी करते हुए भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं होता। वो लोग इस झूठ को सच मान चुके होते हैं कि या तो वो नौकरी कर सकते हैं या बिजनेस, पर दोनों बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नौकरी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक माइंडसेट बनाना होगा कि हाँ, हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। और अगर लोग आपको ये कहें कि आप नहीं कर पाओगे तो आपको उनकी सुनना नहीं है, बस खुद पर भरोसा करना है और अपनी ईमानदार कोशिश करना है। और यहाँ मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप खुद को यकीन नहीं दिला सकते तो आप नौकरी के साथ बिजनेस भी शुरू नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानकर चलिए। दूसरी बात, आपको ये समझना होगी कि ये आसान नहीं होगा। तो अगर आप कोई आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगते हुए यही कहूँगा कि प्लीज़ आप आगे वीडियो मत देखिए। अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हैं, अगर आप अगले कुछ महीनों तक या एक साल तक अपनी नींद, आराम, चैन और सोशल लाइफ को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप स्ट्रेस और पेन के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप बिजनेस के लिए भी तैयार नहीं हैं। जी हाँ, ये एक सच है। और अगर आप चाहते हैं कि बिना नौकरी छोड़े बिना किसी रिस्क के बिजनेस शुरू करें तो आपको इस कठिन रास्ते को चुनना ही होगा, नहीं तो आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तीसरी बात, आपको ये समझना होगी कि आप छोटे लेवल से शुरू करिए और उसे बड़ा करिए। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि बिजनेस का मतलब होता है सब कुछ बड़ा करना, या फिर लोग ये सोचते हैं कि अगर वो किसी मिलियन डॉलर आइडिया के साथ किसी स्टार्टअप के लिए काम करेंगे तभी वो सफल हो पाएंगे, नहीं तो सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सोच ही गलत है। मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है तो वो बहुत अच्छी बात है और तब आप 0 to 1 पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टार्टअप आइडिया नहीं है तो आप 1 to 1 वाला बिजनेस भी कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जिसे करने से आपको पैसे मिल सकें और उसे आप अपनी जॉब के बाद एक्स्ट्रा वक्त में कर सकें। साथ ही ये काम ऐसा भी होना चाहिए जिसे आप ठीक से कर सकें, मतलब कि अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और इसके अलावा आपको कोई और काम नहीं आता तो आपको अपनी जॉब के बाद एक्स्ट्रा टाइम में इलेक्ट्रीशियन का ही काम ढूंढने की कोशिश करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी नौकरी से अलग कोई भी काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो आप उस दूसरे काम को भी अपने बिजनेस के लिए चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में भी है, आपको वीडियो एडिटिंग आती भी है, तो आप अपनी जॉब के अलावा वीडियो एडिटिंग का काम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। काम कैसे ढूंढना है वो मैं आपको आगे बताता हूं, तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी प्रायोरिटी पैसा और ऐसा काम होना चाहिए जो आप अपनी जॉब के बाद आसानी से कर सकें। और यहां पर ये समझने वाली बात है कि अगर आपको किसी काम से पैसा नहीं मिल रहा तो वो आपका बिजनेस नहीं बन सकता, तो बिना पैसे के कोई काम मत करिएगा। कुछ लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस वो करिए जिसमें आपका पैशन हो, जिसे आपको मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह की बहुत सारी बातें। माफ़ कीजिएगा, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है और मैं ये मानता हूँ कि पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता, और जब आपको किसी काम से पैसा मिलने लगता है तो उस काम के लिए अपने आप ही आपको मोटिवेशन भी आ जाता है और पैशन भी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिजनेस आप उसी काम को बनाने की कोशिश करिए जिससे आप पैसा कमा सकें, बिजनेस को पैसों के लिए करिएगा, सिर्फ पैशन के लिए नहीं। और यहाँ आप ये बात समझ लीजिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं, आप उस काम को मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर बिजनेस में बदल सकते हैं, बस उसके लिए तरीका यही रहेगा और आपको अपने दिमाग को खोल कर रखना होगा, साथ ही इस बात पर भरोसा करना होगा कि आप ये काम कर सकते हैं। अब बात करें कि आपको अपने लिए काम ढूंढना कैसे है, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑफलाइन और दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन वर्क ढूंढना। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, तो वो आप सिर्फ अपने शहर या घर के पास ही कर सकते हैं। ऐसे कामों में इलेक्ट्रिशियन का काम, प्लम्बिंग का काम, कारपेंटर वर्क, पेंटिंग का काम, सिलाई का काम, कुकिंग का काम और ऐसे ही दूसरे काम हो सकते हैं। इस तरह के कामों को अपना बिजनेस बनाने के लिए आपको करना यह है कि आप लोगों से बात करिए, उनको बताइए कि आप ये काम कर सकते हैं। आप अपने पैम्पलेट छपवाकर कॉलोनीज में बांट सकते हैं, आप सोसाइटी ऑफिस में अपनी डिटेल दे सकते हैं कि लोग जरूरत पड़ने पर आपको फ़ोन कर सकें, आप ऑनलाइन पोर्टल पर फ्री एड दे सकते हैं कि हम ये काम करते हैं और अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें फ़ोन करिए। कई लोग OLX और इसी तरह की वेबसाइट पर अपनी ज़रूरतों को पोस्ट करते हैं, आप उनको चेक करिए और उन लोगों को फ़ोन करिए कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं या क्या काम आप कर सकते हैं,
आप अपनी जॉब के बाद या जॉब के पहले के वक्त में इस तरह का बहुत सा काम ढूंढ सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप ये कहने वाले हैं कि इससे तो सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाया जा सकता है, इसको बिजनेस में कैसे बदलेंगे, तो घबराइए मत, मैं उसका जवाब भी आपको देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, शुरुआती दिनों में आपको वक्त लगेगा अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने में, अपने लिए काम लेकर आने में, लेकिन एक वक्त के बाद आपकी पहचान बन जाएगी और अगर आप अच्छा काम करके देते हैं तो लोग आपसे काम की डिमांड करने लगेंगे और आपको इतना काम भी मिलने लगेगा कि उस काम को आप अकेले ना कर पाएं। और जब ऐसा होने लगेगा तो आप उन लोगों को हायर कर सकते हैं जिनको काम की जरूरत है। क्लाइंट से डील आपको करना है, आप काम को सुपरवाइज करेंगे, आप पैसे लेंगे और आप अपने काम करने वालों को पैसे देंगे और इस तरह से आप दूसरों से काम करवाकर पैसा कमाने लगेंगे। आप इस तरह से पैसे कमाते रहेंगे और खुद के काम को बढ़ाते रहेंगे तो एक वक्त के बाद आप आसानी से नौकरी करते हुए खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और बाद में इसे फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, कंटेंट राइटिंग, सॉफ्टवेयर राइटिंग, फोटो एडिटिंग, अकाउंटिंग, एसईओ, टीचिंग वर्क, सर्वर्स, नेटवर्क या कोई भी ऐसा काम जो आप अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं और इंटरनेट के जरिए सामने वाले को भेज सकते हैं। ऐसे कामों के लिए आप ऑनलाइन वर्क सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, उनमें से फाइवर एक है जो कि बहुत ही अच्छी है। आप फाइवर के जरिए अपनी सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ मैं फाइवर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसी के लिए आपको कोई लिंक नहीं मिलेगी। फाइवर के बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो भी आप अपने काम को इसी तरह से बढ़ा सकते हैं जैसे मैंने ऑफलाइन का बताया, और अपने काम को बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम लेकर आएँ। ऑफलाइन वर्क की तरह ही आप ऑनलाइन वर्क भी दूसरों को दे सकते हैं और खुद कमीशन ले सकते हैं, या फिर खुद का ऑफिस खोलकर अपनी टीम बना सकते हैं और उनसे काम करवा सकते हैं। जब आप इस तरीके को भी फॉलो करते रहेंगे तो आप एक वक्त ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि आप नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस फुल टाइम कर सकें। अब यहाँ बस आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप ऑनलाइन वर्क करें या फिजिकल वर्क, शुरुआती दिनों में आपको काम कम मिलेगा, पैसे उससे भी कम मिलेंगे और आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि कई बार आपका भरोसा टूट सकता है, कई बार आप निराश हो सकते हैं और कई बार आपको ये लग सकता है कि बस यार अब नहीं। लेकिन आपको अपना हौसला बनाकर रखना होगा और इन हालातों से आगे निकलना होगा। आपको खुद को यकीन दिलाना होगा कि आप ये कर सकते हैं, और यकीन जानिए, मैं आप पर भरोसा करता हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं। और जब आपने खुद को इन हालातों के लिए तैयार कर लिया, आप इन हालातों से आगे निकल गए, तो निश्चित रूप से आप नौकरी करते हुए अपने बिजनेस को शुरू कर लेंगे और उसमें सफल होकर दिखाएंगे। अब इस जगह जो आखिरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बहुत ही जरूरी है, और अपनी कोशिश में सफल होने के लिए इस नियम को आपको किसी भी हालात में मानना ही होगा। बात करूँ इस नियम की तो ये है, अपनी एक्स्ट्रा इनकम का एक रुपया भी खुद के लिए खर्च ना करना। जी हाँ, अगर आप अपने साइड वर्क को बिजनेस में बदलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। आपका ऑफिस सेटअप करने के लिए, लोगों को नौकरी देने के लिए, टूल्स और मशीन खरीदने के लिए, और अपने काम का प्रमोशन करने के लिए, या इसी तरह के दूसरे खर्चों के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप ये सब काम नहीं कर सकते। और एक्स्ट्रा इनकम को अगर आपने खर्च करने की आदत डाल ली तो आप कभी भी बिजनेस के लिए पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, उल्टे आपके खर्च बढ़ जाएंगे और वो बढ़े हुए खर्च भी आपको बिजनेस को शुरू करने से रोकने लगेंगे। इसीलिए आपको करना यह है कि आप एक्स्ट्रा वर्क करते हुए सिर्फ अपने काम के लिए पैसा खर्च करिए, लेकिन व्यक्तिगत जरूरतों के लिए एक रुपया भी खर्च मत करिए। इस पूरे पैसे को जमा करते जाइए और जब तक आप अपने बिजनेस में फुल टाइम आने का फैसला ना कर लें तब तक इससे एक रुपया भी मत लीजिए। और उसके बाद जब आप अपने बिजनेस में फुल टाइम ज्वाइन कर लें तब खुद की एक सैलरी फिक्स कर लीजिए जो कि आपकी जॉब वाली सैलरी से 15% कम होना चाहिए। जी हाँ, ये आपकी जॉब वाली सैलरी से 15% कम होना चाहिए और आपको अगले एक साल तक इसी सैलरी पर टिककर काम करना होगा और अपने बिजनेस से सिर्फ इतना ही पैसा हर महीने का निकालना होगा ताकि आपका घर चल सके। इस बीच इससे ज़्यादा पैसा बिल्कुल मत निकालिए और अपने काम को बढ़ाने की और ज़्यादा कमाने की कोशिश करते रहिए। और एक बार जब आपका बिजनेस प्रॉपर तरीके से सेटअप हो जाए तो कंपनी आपकी है, पैसे आपके हैं और लाइफ भी आपकी है। फिर आप जैसे चाहे वैसे इसे एंजॉय करिए और खुद के बिजनेस के मजे लीजिए। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ कि नौकरी करते हुए बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या करना होगा। पहली बात, आपको खुद पर यकीन करना होगा कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको ये समझना होगा कि ये काम आसान नहीं होगा तो मुश्किलों के लिए खुद को तैयार करके रखना होगा। तीसरी बात, आपको छोटे लेवल से ऐसे काम को शुरू करना होगा जिसे करके आप पैसा कमा सकें और उसे बड़े लेवल पर लेकर जाना होगा। चौथी बात, आपको अपने काम के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम ढूंढना है, पहले खुद करना है और बाद में लोगों को हायर करना है और अपने काम को बढ़ाना है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी एक्स्ट्रा इनकम के पैसे को सिर्फ बिजनेस के लिए खर्च करना है और जब तक आप फुल टाइम ज्वाइन ना कर लें आपको खुद पर एक रुपया भी खर्च नहीं करना है। अगर आपने ये पांच नियम मान लिए और अगर आपने इतनी मेहनत कर ली तो यकीन जानिए आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से कोई नहीं रोक पाएगा और इसमें आप सफल होंगे, इस बात का वादा मैं आपको करता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो अपनी नौकरी से परेशान है लेकिन मजबूरियों के चलते अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते।
और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आता रहता हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।